हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं एसपी व्यूज। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, आप देख लीजिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो। तो दोस्तों, ये मैंने अपना 9 PM का एक 10 ml का डिकेंट मंगाया था स्प्लैश फ्रेगनेंस से। तो ये उनकी बॉक्सिंग ऐसी है, पैकेजिंग मैंने उसको अनबॉक्स किया था। ये इसका बिल है, इनवॉइस, और जो उनके ओनर है गौरव भाई, उनका साइन, लव इट, थैंक यू गौरव भाई। और ये बबल रैप पैकिंग, ये 10 ml का अपना उनका 9 PM ADP वर्जन, और साथ में थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर। वाह, ये ऐसी चीज़ें कस्टमर को काफ़ी प्लीज करती है, और साथ में एक डायरी भी है। स्प्लैश पेगनेंस, नाइस नाइस मार्केटिंग, और एक फील गुड फैक्टर क्रिएट करता है। सो थैंक यू स्प्लैश पेगनेंस। तो देख लिया आपने अनबॉक्सिंग वीडियो। अनबॉक्सिंग वीडियो में जो मैंने पैकेजिंग ओपन की थी, एक्चुअली ये मैंने परफ्यूम मंगाया था स्प्लैश फ्रेगनेंस से, और इनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, सेफ है। परफ्यूम्स की बॉटल को उन्होंने अच्छी तरह से रैप किया था, साथ में इनवॉइस था, और फिर एक पैम्पलेट था उनका वेलकम पैम्पलेट, और साथ में उन्होंने एक क्यूब दी थी, छोटी डायरी। तो एक अच्छा ग्रेटिट्यूड है स्प्लैश फ्रेगनेंस की तरफ से अपने कस्टमर्स को खुश करने का, और इससे कस्टमर सस्टेन भी होते हैं। तो मैं उनके लिए थम्स अप दूंगा। और ये बॉटल है जो मैंने डिकेंट मंगाई थी, काफ़ी खूबसूरत है, पतली बॉटल है, और इस बॉटल को हम लोग एज अ ट्रैवलिंग किट यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कैसे है, मैंने कुछ दिनों पहले इंस्पायर्ड वर्जन परफ्यूम्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने कहा था कि 2-3 पत्थर मिला के और T20 करके एक अल्कोहल आता है, वो उसमें मिक्स करके ये लोग इंस्पायर्ड वर्जन बनाते हैं। मगर उसमें होता क्या है, आपको एक गारंटी युक्त रिजल्ट उसमें मिलता नहीं है। मतलब कभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, कभी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो सियाज अच्छा नहीं रहता है, कभी सियाज अच्छा रहा तो उसका फिर प्रोजेक्शन अच्छा नहीं रहता है, फिर एक बबल क्रिएट अच्छा नहीं होता है, और मिला जुला के ड्राई डाउन में जो रिजल्ट मिलता है वो अच्छा नहीं रहता है। बहुत कम केसेस में होता है, मतलब 10 में से 2-3 केस में आपको परफ्यूम्स अच्छे मिल जाए। मगर ये क्यों होता है, क्योंकि ये सारा डिपेंड होता है रॉ मटेरियल की क्वालिटी, जो नोट्स के लिए ये लोग एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जो ऑयल्स यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी स्टोरी ऐसी है कि अफनान भी एक मिडल ईस्टर्न ब्रांड है, और एक आर्माफ भी है। आर्माफ ने क्लोन बनाया था क्रीड एवेंटस का, और क्रीड एवेंटस का जो क्लोन था उसका नाम है क्लब दी न्यू इंटेंस। क्रीड एवेंटस ओरिजिनल लास्ट करता है 4 से 5 घंटे, और जो क्लब दी न्यू इंटेंस है वो लास्ट करता है स्किन के ऊपर 10 घंटे तक। अगर आप क्लोथ्स के ऊपर स्प्रे करते हो तो 15 घंटे तक वो लास्ट करता है, ये कहानी है। और आर्माफ और अफनान जैसे जो ब्रांड्स हैं वो अच्छे क्लोन बनाते हैं। अभी उसमें लताफा भी आ गया। अफनान का मैंने ये परफ्यूम क्यों लिया, उसकी एक कहानी है, क्योंकि मैंने 2-3 महीने पहले इसके बारे में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन वेबसाइट से, मैंने बहुत सारी वेबसाइट से इसकी गैदर की थी, और मैंने मन बना लिया था कि मैं इसका एक सैंपल खरीदूंगा। पिछले मंथ में मैंने इसका एक सैंपल खरीदा, फिर मेरा एक करीबी दोस्त अहमदाबाद से यहाँ पे आया था पिछले मंथ, मैंने उसको गिफ्ट कर दिया एज अ वेलकम। वो परफ्यूम उसको काफ़ी अच्छा लगा, एंड ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ 150 करोड़ कंपनी। सो वो जब रिटर्न गया अहमदाबाद, उसने एक महीना वहाँ पे यूज़ किया, वो ऑल ओवर इंडिया घूमता रहा मीटिंग के लिए, और 2 दिन पहले वो मुझे आके फिर से मुंबई में मिला, और उसने मुझे कहा कि दोस्त ये अपना ज़बरदस्त परफ्यूम है। वो जहाँ जहाँ पे गया उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इसका जो लॉन्जिटिविटी है वो 8 से 10 घंटे उसको मिला, और वो अनुमम 4 से 5 स्प्रे करता था। मगर ये बात हो गई उसकी, उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की। मगर मेरा फंडा ऐसा है कि जब तक कोई भी परफ्यूम मैं खुद रिव्यू नहीं करता, खुद अपने अपने टेस्ट नहीं करता हूँ, तब तक मैं उसकी राय कभी सामने नहीं रखता हूँ। तो इसलिए मैंने फिर से एक दूसरी बॉटल मेरे खुद के लिए मंगा ली,
और ये आज सुबह डिलीवर्ड हुई। इसे मैंने 10 बजे स्प्रे किया है और अभी शाम के 6:30 बज गए। 6:30 बजे तक इसका एक स्वीट बबल गम, वॉर्म स्पाइसी बबल गम जो इफेक्ट है वो अभी भी मेरे इर्द गिर्द में महसूस कर रहा हूँ। मिला जुला के मैं आपको इसके नोट्स के बारे में पहले बताता हूँ। इसके टॉप नोट में आपको सेब मतलब एप्पल, दालचीनी, जंगली लेवेंडर और बगमुख मिलेगा। इसके जो मिडिल नोट्स है इसमें आपको ऑरेंज ब्लॉसम और लिली ऑफ द वैली मिलेंगे। और जो प्रोमिनेंट नोट है इसके बेस नोट में है वो है वेनिला, एम्बर और पचोली। तो इसमें अगर मैं इसकी अच्छाई बताऊं, मैं आपको पहला स्प्रे करके दिखा रहा हूँ इसका। हालांकि ये डिकेंट है मगर इसकी ओरिजिनल बॉटल में खरीदने का प्लान कर रहा हूँ। इसे मैं और टेस्ट करूँगा, जब मेरा मन बन जाए तो इसका मैं एक बॉटल डेफिनेटली करूँगा। अभी ये डिकेंट है, इसका स्प्रे तो अच्छा है, एडमाइजर ज़बरदस्त है इसका, तो मतलब 4 स्प्रे में आपका काम हो जाएगा इसका। मतलब ज़्यादा जूस निकलता है इसके एडमाइजर से, वो काफ़ी अच्छी बात है। अभी ये सिमिलर टू जॉन पॉल गुचियर के अल्ट्रा मेल जैसा है। वेरी ऑनेस्टली ये परफ्यूम मैंने कभी नहीं खरीदा और कभी टेस्ट नहीं किया, तो मुझे नहीं मालूम। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं और जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें मुझे मालूम पड़ा है कि ये ज़्यादा स्वीट है, स्ट्रॉन्गली स्वीट है। तो इसमें वेनिला ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सिनेमन भी ज़्यादा है, मगर उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि डेफिनेटली मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैं इसके ऊपर बात करूँगा। और इसमें जो वेनिला मैंने महसूस किया है वो एकदम सटल है, मतलब बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा कम है। इसमें सिनेमन भी है, जो पहला स्प्रे हम लोग करते हैं। लाजवाब। नॉर्मली किसी भी परफ्यूम की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला इरिटेट हो। इसकी स्ट्रांगनेस इतनी ज़्यादा नहीं है मगर एकदम प्लीजेंट है। पहले स्प्रे करते ही रूम फील हो जाएगा आपका और एकदम प्लीजेंट लगेगा। वार्म है, थोड़ा स्पाइसी है क्योंकि सिनेमन है इसमें, और इसमें वार्मनेस काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी नहीं है और ये वार्मनेस काफ़ी अच्छी है। अगर ये जॉन पॉल गुचियर के अल्ट्रा मेल की तरह क्लोन है और लोग कहते हैं कि जेपीजी अल्ट्रा मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो विंटर के लिए अच्छा है, मगर ये जो परफ्यूम मैंने आज गर्मी में लगाया था क्योंकि मैं सुबह इसको स्प्रे किया है, मुझे गर्मी में ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। या जो मेरे साथ मीटिंग में थे या मेरे साथ जो बातचीत कर रहे थे उनको भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगाई है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा प्लीजेंट परफ्यूम है ऐसे कह के मुझे कॉम्प्लीमेंट दी है, और उन्हें पूछा भी ये कौन सा परफ्यूम है तो मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और ये सिनेमन है, सिनेमन तो प्रोमिनेंटली महसूस होता ही है डेफिनेटली। वेनिला भी है, वेनिला का जो स्वीटनेस है वो डेफिनेटली महसूस होता है। और जब ये अभी ड्राई डाउन हो गया मेरे इस पर, मेरे पूरे स्किन पे, तो इसमें जो वेनिला का स्वीटनेस है वो अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब एक प्लीजेंट वेनिला हो गया, थोड़ा हल्का सा पाउडरी। और इसमें जो एम्बर है उसका भी एक हल्का सा टिंच है और पचोली का भी हल्का सा टिंच है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है तो ज़्यादा अर्दी भी नहीं लगता है। ये ज़बरदस्त, इसकी लॉन्जिटिविटी ज़बरदस्त है, एक बाइंड ब्लाय है मेरी तरफ से। और ये एक अच्छा बबल लीव करेगा, आप जहाँ से भी गुजरोगे तो लोग महसूस करेंगे। और मैंने एक्चुअली सुबह यहाँ पे 2 स्प्रे किए थे, यहाँ पे 2 किए थे और एक पीछे किया था, और जहाँ पे भी मैंने शिकायत किया है मीटिंग में या लोगों से मैं मिला हूँ तब मुझे भी ये बबल महसूस हुआ और सामने वाले को महसूस हो रहा है। तो इसका जो पहले 1 से 1.5 घंटे का जो प्रोजेक्शन है, इट विल बी लाइट डाउन टू आर्म्स लेंथ, मतलब 1 मीटर का हो जाएगा डेफिनेटली। और बाद में ये थोड़ा धीरे धीरे कम होता है और 1.5 मीटर तक आ जाता है। फिर भी अभी 8 घंटे बीत चुके हैं, 8.5 घंटे बीत चुके हैं और ये बबल क्रिएट अभी भी है। तो ये परफ्यूम एक ऐसा है कि आपको कभी भी डाउन नहीं करेगा। ये परफ्यूम आप कभी भी कहाँ पे भी कौन से भी इवेंट पे लगा सकते हो और किसी भी एज के लिए ये परफेक्ट परफ्यूम है। ये आप जिम में भी लगा सकते हो, फिर आप ऑफिस में, फैमिली गैदरिंग में, नाइट आउट्स में, डेट्स में लगा सकते हो, यहाँ तक आप सोते वक्त भी लगा सकते हो। ये ऐसा परफ्यूम है
मतलब ये गो टू गो परफ्यूम है, आप इसे ब्लाइंड बाय खरीद सकते हो। और ये आप ऑथेंटिक वेबसाइट से खरीदो या कोई ऑथेंटिक शोरूम है, रिटेलर है, उससे खरीदो, क्योंकि मेरे यहाँ से, मेरे जो लोकेशन है वहाँ से 8 किलोमीटर पे सफरा का रिटेल शोरूम है, फिर लाइफस्टाइल है, और उन दोनों शोरूम्स में ज़्यादातर अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, टॉम फोर्ड है, फिर जिवेंची है, यूगो बॉस हो गया, ये इन तरह के परफ्यूम्स हैं, मगर वहाँ पे अफनान नहीं था, तो मैंने स्प्लैश फ्रेगनेंस से मंगाया इसे। और अभी मैं और एक हफ्ता इसको टेस्ट करूँगा, तब जाके मेरी एक पक्की राय हो जाएगी। मगर मैं अभी एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि ये मेरे कलेक्शन में रहेगा, क्योंकि आज पूरा दिन इसने जो परफॉर्मेंस की है, हर एक आधे घंटे के बाद इसका जो एक अलग टिंच निकल के आता है, महसूस होता है, वो अलग लेवल का है। मतलब ये 10 ml मुझे 700 रुपये की पड़ी है, मगर इसकी एक्चुअल जो रिटेल बॉटल है वो 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी इसकी महंगी बॉटल है, 2800 रुपये की मिल रही है, तो आप इसे खरीद सकते हो। JPG अल्ट्रा मॉल की तो 8 से 10 हज़ार के बीच में आती है बॉटल, शायद वो जो बैच है, मतलब JPG अल्ट्रा मॉल अल्ट्रा मेल, ये बंद हो गया है प्रोडक्शन इसका, तो उसके बाकी के फ्लैंकर्स है जो मैंने एक्चुअली टेस्ट किए थे लाइफस्टाइल शोरूम में जाके, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। अगर JPG अल्ट्रा मॉल के कंपैरिजन में आप, मतलब JPG अल्ट्रा मॉल को अगर इसको इसका कंपेयर करते हो तो वो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, मगर अगर उसमें लोग कहते हैं कि उसमें वेनिला का स्ट्रांगनेस ज़्यादा है, स्वीटनेस ज़्यादा है, तो मैं इसको थम्स अप दूंगा, क्योंकि इसका जो स्वीटनेस है मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, मतलब एकदम बैलेंस स्वीटनेस है। सिनामोन का जो तीखापन है वो बैलेंस्ड है, अम्बर भी एकदम बैलेंस्ड है, तो एम्बर भी एकदम बैलेंस्ड है, तो मिला जुला के जितने भी नोट्स इसमें मैंने महसूस किए, धमाल है, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में धमाल है। आप इसको ब्लाइंड बाय करो और मुझ पर विश्वास करो। अगर आप में से कोई इसको यूज़ कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपकी भी राय पेश कीजिए, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि इसे लोग किस नज़र से देखते हैं। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और ऐसे ही मोटिवेशन देते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।